ये एक अच्छा चैप्टर, डिमांड एंड सप्लाई। कोई बताएंगे डिमांड क्या होती है, मांग किसे कहते हैं? नहीं, चलो चार वर्ड है, नीड, आवश्यकता, डिजायर, इच्छा, वांट, चाहत, डिमांड, मांग। जॉब आप लोगों के लिए क्या है? नीड है, डिजायर है, वांट है, डिमांड है? सब कुछ है। नीड आपके लिए होते डिजायर, आपके लिए नीड। अच्छा, किसी से नहीं, कई बार किसी रिश्ते में होते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें? आई वांट यू, आई नीड यू, आई डिजायर यू, आई डिमांड यू, क्या कहते हैं? नहीं, कहते तो एक ही चीज़ है, यदि सही ईमानदारी से बताएंगे तो इसमें से बता देंगे क्या कहते हैं। नहीं, नीड नहीं कहते हैं। आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सीखो। तो नीड क्या होती है बच्चों? ये होती है लिमिटेड। रोटी, कपड़ा और मकान नीड का एग्जाम्पल है, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। डिजायर क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, असीमित, ये कभी भी कुछ भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। चाहत क्या होता है? जब हम नीड को पूरा करने के लिए एफर्ट करते हैं तो उसको हम वांट कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आई वांट यू, मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छा ही नहीं रखता हूं, मैं तुम्हें पाने का प्रयास भी करूंगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया युवा होने का आनंद उठा रही है, आप लोग यहाँ पे मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारा का सारा क्या है? वांट है। तो वांट क्या शो करता है? रेडीनेस को शो करता है, तत्परता को, कि मैं किसी चीज़ को पाने के लिए कितनी तत्पर हूँ। तो सीडीएस ने पूछा, डिमांड क्या है, नीड, डिजायर या वांट? वांट है, यही सिखाना था मुझे। तो हेडिंग डालो डिमांड, मांग, और लिखो डिमांड। वांट ऑफ कमोडिटी एट फिक्स प्राइस, एक निश्चित कीमत पर वस्तु की चाहत मांग कहलाती है। वांट ऑफ कमोडिटी एट फिक्स प्राइस, एक निश्चित कीमत पर वस्तु की चाहत मांग कहलाती है। तो डिमांड क्या होती है? चाहत होती है। चाहत किस बात की? किस चीज को प्राप्त करने की। जैसे आप जब घर से यहां तक आते हैं तो आपकी जेब में बहुत सारा पैसा होता है और बहुत सारी चीजें बिक भी रही होती हैं, लेकिन क्या आप सभी चीज खरीद लेते हैं? नहीं। क्यों नहीं खरीदते हैं? पैसा भी तो है। अभी आपका उस चीज को पाने की इच्छा नहीं है, उल्टा भी है। आपकी इच्छा नहीं होती कई बार बड़ी वाली गाड़ी ले लें, कोई बड़ी महंगी गाड़ी लेकर जा रहा होता है, तो क्या गाड़ी है, तो अंदर से क्या आता है कि काश मेरे पास भी होता। तो क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अभी अपने पास उतना औकात नहीं है, उसी को अच्छे शब्द में एफर्ट कहते हैं। तो अब देखो एसएससी कैसे पूछती है इस क्वेश्चन को। विच वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ डिमांड, कौन सा मांग का कारक नहीं है? मेरे एग्जाम्पल को समझे होंगे तो आप बता पाएंगे। ऑप्शन है प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की आय, टेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्ति की रुचि, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की गुणवत्ता। विच वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ डिमांड, कौन सा मांग का कारक नहीं है? ये एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है।
विच वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ डिमांड, कौन सा मांग का कारक नहीं है? क्वालिटी सबसे बाद में आता है। हम सबको पता है कि ऑडी कार सबसे अच्छी कार है, नहीं आईएएस के एग्जाम सबसे अच्छा एग्जाम है, लेकिन हम कहें यार ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना पैसा गाड़ी पे थोड़ी लगाया जाता है, आईएएस की भी कोई तैयारी होती है क्या? ऐसा नहीं, तो क्वालिटी सबसे बाद में आती है ना, पहले आता है प्राइस, पहले आता है इनकम, पहले आता है टेस्ट। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते कि विच वन इज द मेन फैक्टर, कौन सा मुख्य कारक है? टेस्ट सबसे पहले आया कि मुझे एसएससी करना है, मुझे बैंक करना है, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे घर की इनकम कितनी है और उस कमोडिटी का प्राइस कितना है। सबसे पहले आया मुझे कार खरीदनी है, सबसे पहले आया मुझे कि ये चीज़ प्राप्त करना है, उसके बाद मैं प्राइस और इनकम का देखता हूँ। मैंने वही तो कहा था कि आपके पास पैसे बहुत सारे हैं जेब से जब निकल रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जिस दिन आएगा कि नहीं मुझे आइसक्रीम खरीदना है, अब आप अपना जेब देख रहे होंगे, क्लियर है? तो हेडिंग डालो फैक्टर ऑफ डिमांड, मांग के कारक, ताकि ऐसे क्वेश्चन कर पाए, मांग के कारक। हैं बच्चे, जॉब आप वांट है तभी तो बच्चे आप अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आए, राखी वाले दिन मैं आ नहीं पाया चीटिंग हो गई थी, मैं जब रास्ते में आता चला गया, मुझे जाना पड़ा कहाँ, पंचकुला, तो मुझे याद आएगा इस बच्चे को कहा था, फिर तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो फिर मैं कॉल नहीं कर पाया। भाई आया था, कमाल हो, उसको तो गोली मार देनी चाहिए। ये दो भाई बहन नहीं है, भाई यही है मुखर्जी ने, मैं राखी तक बनाने नहीं आया। अच्छा। वो प्यार ज्यादा करता हो गया तो फैक्टर ऑफ डिमांड, मांग के कारक, मांग के कौन कौन से कारक हैं? तो लिखो, पहला प्राइस ऑफ एक्स, आपने फुल फॉर्म में लिखना है पूरा, एक्स वस्तु की कीमत, एक दो तीन पॉइंट बना के लिख लेना, मांग का कारक क्या क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ वाई, वाई वस्तु की कीमत, टेस्ट, इनकम, आय, एंड एक्सपेक्टेशन, संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन। देखो समझो इस बात को, टेस्ट चेंज, डिमांड चेंज। आपको कार खरीदनी है तो आप साइकिल वाले दुकान पे थोड़ी जाके बोलोगे भैया कब कार बेचोगे, कार खरीदूंगा, है ना? आपको सीए की तैयारी करना होता तो आप यहाँ नहीं आ रहे होते, कहीं और जा रहे होते। आपको इलाज करना हो तो आप हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर के वहाँ, नहीं? तो जैसे टेस्ट चेंज, डिमांड चेंज। इनकम, इनकम कम है अपनी तो अभी हम सबकी जरूरत 10,000-15,000 में पूरी हो जा रही है, नहीं? इनकम बढ़ेगी तो 50,000 में भी कम पड़ने लगेगा, नहीं? हाँ। एक्सपेक्टेशन, हम सबको पता है कि हमारा एग्जाम 2-4 महीने बाद है, तो हम लोग आकर के प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, ये पता होगा अगले 2 साल तक एग्जाम नहीं है तो हम तैयारी करेंगे नहीं। जैसे आपने देखा होगा जिस दिन नोटबंदी हुआ तो देश में नमक महंगा हो गया था, क्यों? लोगों को मन में आया कि नोटबंदी से जनता नाराज हो गई, तो उन्होंने जनता ने मोदी जी को बहुत उल्टा सीधा कह दिया, तो मोदी जी ने डिसाइड किया है कि अब गुजरात से आने वाला नमक यूपी और हरियाणा को नहीं दिया जाएगा, तो लोगों के मन में क्या है कि बगैर प्याज के तो चल जाएगा लेकिन बगैर नमक के नहीं चलेगा, तो लोगों को संभावना ये हुई कि आगे नमक नहीं मिलेगा, तो लोगों ने नमक की डिमांड बढ़ा दी, तो तुरंत प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये तो आप सीख गए, टेस्ट सीख गए, इनकम सीख गए, एक्सपेक्टेशन सीख गए। अब रही बात एक्स और वाई, तो देखो प्राइस ऑफ कार और प्राइस ऑफ पेट्रोल, आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं, पेट्रोल वाला या सीएनजी वाला या डीजल वाला? सीएनजी वाला, खर्चा है, कम है। आप चाय पीना पसंद करेंगे, कॉफी पीना पसंद करेंगे, लेकिन दोनों का प्राइस ठीक सेम सेम रहेगा तो कॉफी पियेंगे, फिर भी चाय पियेंगे, नहीं? नहीं,
तो पॉइंट क्या है, ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में कुछ कोरिलेटेड वस्तुएं हैं। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर जाएंगे। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार। कितने प्रकार के वस्तु बच्चे आप लोग जानते हैं? नहीं? तो टाइप्स ऑफ गुड्स में हम जानते हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री? यस, तुम्हारे एज के हिसाब से लिख लो, मेड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। लाइफ में कोई हो तो अपना नाम लिख के लिख लेना है, और नहीं हो तो जो हम एग्जांपल बताएंगे वो लिखना है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? जो एक दूसरे के काम आती हो। कुछ एग्जांपल लिखो, जैसे कार एंड पेट्रोल। बगैर पेट्रोल के कार का कोई वैल्यू है? नहीं। और घर में कार ना और पेट्रोल आ रहा है, सब ठीक है? नहीं। दूसरा, कार एंड पेट्रोल के बाद पेन और इंक। अब देखा करो, जब तक पेन में इंक होता है, पेन नीचे गिरता है तो उठा के दो तीन बार ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, और इंक खत्म हो गया तो ऐसे फेंक रहे हैं जैसे क्या हो गया। ये लाइफ ध्यान रखना, जब तक वैल्यू है तब तक ये तो अपनी वैल्यू बना के रखना है। तीसरा, पेन और इंक के बाद टी एंड शुगर, चाय और चीनी। बगैर चीनी के चाय होता है? नहीं होता है। आम आदमी के लिए नहीं होता है। दो तरीके के लोग हैं, एक वो आदमी जो क्रिकेट ग्राउंड में जा रहा है, सिक्स लग रहा है तो चिल्ला रहा है, एंजॉय कर रहा है, मजे ले रहा है, और एक वो आदमी वेल डन गुड, बहुत अच्छा, बोरिंग टाइप का आदमी नहीं होता है एक वो। तो जो आम आदमी, जो इसमें हम और आप आते हैं, तो हम चाय में चीनी मिला के पीते हैं क्योंकि हम चाय का टेस्ट चाहते हैं। और एक है कि दिनेश जी हम तो ग्रीन टी पी रहे हैं। नहीं, तो इकोनॉमिक्स बनाया किसके लिए? आम आदमी के लिए। तो वो कहता है कि बिना चीनी के चाय नहीं होगा, एक्सेट्रा इत्यादि। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम होगी। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम होगी, यही है। कैसे? देखो, लिखना मतलब प्राइस ऑफ कार बढ़ जाए तो डिमांड ऑफ कार कम हो जाएगा। नहीं, डिमांड ऑफ कार कम हो जाए तो डिमांड ऑफ पेट्रोल अपने आप ही कम हो जाएगा। प्राइस ऑफ कार कम हो जाए तो डिमांड ऑफ कार बढ़ जाएगा, तो डिमांड ऑफ पेट्रोल ऑल्सो इंक्रीज। तो प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने से डिमांड ऑफ एक्स कम हो जाता है, देन डिमांड ऑफ वाई ऑल्सो डिक्रीज। तो प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई में कैसा रिलेशन? इनवर्सली। लिख डालो। लिख दी।
अब देखो प्राइस ऑफ एक्स डिमांड ऑफ वाई, चाय का प्राइस, एक कार का प्राइस 1 लाख था तो पेट्रोल की डिमांड 30 लीटर थी, कार का प्राइस 2 लाख हो गया तो पेट्रोल की डिमांड 20 लीटर हो गई, कार का प्राइस 3 लाख हो गया तो पेट्रोल की डिमांड 10 लीटर हो गई। तो स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड। यही आता है क्वेश्चन कि सबसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड बना लो। नीचे की तरफ आपका लास्ट क्लास छूट गया ना, तो वीडियो में देख लेंगे। वो टॉपिक इतना अच्छा था, मतलब मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है और सबसे खराब हो ही गया, क्यों कोई था ही नहीं। अरे एक दिन 1 घंटे की ले ली थी, जो टॉपिक मेरा 2.5 घंटे में पूरा होना चाहिए 1 घंटे में पूरा हो गया। पहले मैं उसी टॉपिक से डेमो दिया करता था। हैं बच्चे? हाँ फेवरेट टॉपिक था, उतना ही खराब पढ़ाया वो टॉपिक। हाँ वो पब्लिकली अनलॉक करवा देंगे। लिख दिए। अब देखो पहला क्वेश्चन था कि वो कौन सी वस्तु जिसमें एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। वैसे एग्जाम में ऐसे आएगा कि राम ए एक व्यक्ति है, उसने एक्स वस्तु की डिमांड की बढ़ाई तो वाई वस्तु की डिमांड कम हो गई, सॉरी एक्स वस्तु की का प्राइस बढ़ा तो वाई वस्तु का डिमांड कम हो गया, तो ये कौन सी वस्तु है? इस तरीके से। दूसरा स्लोप नेगेटिव। तीसरा डिमांड, डिमांड में कैसा रिलेशन है? डिमांड ऑफ कार कम हुआ, डिमांड ऑफ पेट्रोल कम हुआ, डिमांड ऑफ कार बढ़ा, डिमांड ऑफ पेट्रोल बढ़ गया, तो डिमांड डिमांड में कैसा रिलेशन है? तो डिमांड ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई में डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं? तो ऐसी डिमांड को कहते हैं हम ज्वाइंट डिमांड। तो लिखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट डिमांड। पूरक वस्तुएं संयुक्त मांग की उदाहरण है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट डिमांड। पूरक वस्तुएं संयुक्त मांग की उदाहरण है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गन की डिमांड करेंगे तो बुलेट की डिमांड होगी नहीं होगी? कभी सुना कि बंदूक मार दूंगा, जब भी क्या कहते हैं गोली मार दो, तो गोली ऐसे मार देंगे क्या? तो जब भी गन की डिमांड होगी तो बुलेट की डिमांड होगी, कार की डिमांड होगी तो पेट्रोल की। अब देखो दिमाग क्या करते हैं, कार सस्ता करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो पोल्यूशन बढ़ेगा। इंडिया में उल्टा हो रहा है, वर्ल्ड में उल्टा होता है। वो कार महंगी रखते हैं तो ऑटोमेटिक पोल्यूशन पर कंट्रोल रहता है। चलो तो दो चीज़ हमने सीखी, ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, ग्राफ में कैसा रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में कैसा, प्राइस और इनकम में और डिमांड डिमांड में कैसा। कोई दिक्कत नहीं? अगला लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रतिस्थापक वस्तु, तो बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? यस नहीं बोलते हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही,
तो लिख डालो, वन गुड्स कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपयोग, वन गुड्स कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपयोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, पेन एंड पेंसिल, पेट्रोल एंड डीजल, एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो कौन सी वस्तु है जिसमें एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। यही है, जैसे क्वेश्चन आया था कि पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर कोकोला के डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोकोकोला की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पेप्सी ना खरीद के क्या खरीद देंगे, कोकोकोला। यही ऐसे क्वेश्चन आता है बेसिकली, वहाँ कोकोकोला वर्ड नहीं था, वहाँ सेवन अप था जो ऑप्शन में था, मतलब वही है। अब समझो एक बार, मान लो प्राइस ऑफ टी 4 रुपये है और प्राइस ऑफ कॉफ़ी 6 रुपये, जिसको जो पीना है वो पी रहा है। अभी किसी कारण से ये 1 रुपया महंगा हो गया, ये 5 का हो गया और ये 6 का ही है, तो हर चाय पीने वाले के मन में क्या आ रहा है कि 1 ही रुपये का तो गैप है, क्यों ना कॉफ़ी पी लीजिए। तो जैसे ही आपने देखा प्राइस ऑफ टी बढ़ा तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो गई, बढ़ गई। मान लो किसी कारण से 3 का हो जाए, ये 6 का ही रहे, तो हर कॉफ़ी पीने वाले के मन में क्या आ रहा है कि जितनी बार मैं एक कॉफ़ी पीता हूँ उतनी बार मैं 2 चाय पी सकता हूँ। तो जैसे ही प्राइस ऑफ टी कम हुआ, डिमांड ऑफ कॉफ़ी कम हो गया। तो हमने सीखा कि प्राइस ऑफ टी के बढ़ने से डिमांड ऑफ टी कम हो जाता है, इसकी जगह पे लोग क्या पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी। प्राइस ऑफ टी के कम होने से डिमांड ऑफ टी बढ़ जाता है तो लोग क्या पीना कम कर देंगे, कॉफ़ी। तो प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ते ही डिमांड ऑफ एक्स कम होता है तो डिमांड ऑफ वाई बढ़ जाता है, तो प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली इसके लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए बनाइए। इसका स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डाउनवर्ड अपवर्ड, स्टेट कैसे होगा, स्टेट का तो ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन दिया मैंने स्टेट पॉजिटिव, यस। देखो लिखना मत, जब चाय का प्राइस कम था तो कॉफ़ी की डिमांड क्या थी, कम थी। जैसे ही चाय का प्राइस बढ़ा कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, और बच्चों और बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगी, दैट इज पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड स्लोप बना दो।
पिंकी दी से बात होती है? ठीक है, पढ़ाई कर रही हैं? जब आपने उस दिन पूछा नहीं था खाली हो जाता होगा, मुझे तो सुना चलना सही पता है। ठीक है, वो दुखी है। अब देखो, ये तो हुआ नॉर्मल। अब इसको टिपिकल करें एग्जाम के लिए। तो एक वर्ड है बच्चों, क्रॉस इलास्टिसिटी। आगे चल के डिटेल सिखाऊंगा। क्रॉस लोचता। क्रॉस लोचता क्या होती है? जब एक वस्तु के प्राइस का दूसरे वस्तु के डिमांड के साथ रिलेशन शो किया जाता हो, तो उसको कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस लोचता। तो दो वस्तु में कौन कौन सी थी बच्चों? एक तो थी कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तु, और दूसरी कौन सी थी? सब्स्टिट्यूट। वही है जो अभी पढ़ाया है, बस इसका लैंग्वेज देखना भी कैसे चेंज होगा एग्जाम के लिए। पूरक वस्तु और प्रतिस्थापक, या प्रतिस्थापक की दूसरी हिंदी है स्थानापन्न, एक दूसरे को रिप्लेस करने। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस के साथ और डिमांड के साथ कैसा रिलेशन था? इनवर्सली। तो एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। है वही लैंग्वेज आ गई क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे इनवर्सली कह लो या निगेटिव कह लो, दोनों में इसको एक ऑप्शन हो। और इसका स्लोप कैसा था? डाउन। और यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई में डायरेक्टली या पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और स्लोप कैसा बच्चों? अपवर्ड। बनाइए। सुबह से बैठे हो आप लोग, बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक साल ऐसे आराम से, नहीं तो कम से कम 6 महीने, फिर नौकरी नौकरी हो जाती है। उन्हें तो लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर ले रहे हैं। अभी देखा होना जबगढ़ में किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया मेट्रो के आगे कूद के, फ्रस्ट्रेशन का एक्सट्रीम लेवल। खैर ये कायरों का काम है, सब कुछ नौकरी थोड़ी ना होती यार, है ना? मोदी जी ने SSC का एग्जाम दिया था क्या? तो देश चला रहे हैं। लेकिन पता नहीं बच्चे के कब ईगो पे आ जाए नौकरी को लेके। होते हैं कुछ बच्चे डिप्रेस बिल्कुल एक्सट्रीम। मेरे पास भी कई बार मैसेज आते हैं कि सर ऐसा मन करा कि सुसाइड कर लूँ। पागल हो गया, कॉल कर मुझे इस नंबर पे, फिर आधे घंटे 1 घंटे उससे बात करनी पड़ेगी, फिर जाके वो नॉर्मल होगा। लिख दिए। और ऐसे भी निकम्मे हैं जो मतलब कि सर हम कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, फिर एक दो महीने बाद रोने लगेंगे, सर मेरे से नहीं हो पा रहा, 10 घंटे पढ़े। मैं फिर करता रहता है जिंदगी भर। या तो टूट जाओ मेहनत करके, या तो छोड़ दो। ये तो हुआ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। कर लेंगे इस पे क्वेश्चन। यस सर। ठीक, अब आ जाइए बच्चों गिफ्ट एंड गुड्स। यहाँ से खूब क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। बताएंगे गिफिन क्या होता है? सुना है गिफिन? मतलब बुरी चीज आने से अच्छी चीज की वैल्यू खत्म हो जाए। बुरी चीज के आने से अच्छी चीज की वैल्यू खत्म हो जाए, जैसे सर कोई जैसे अक्षय कुमार के आने से सचिन, इनका अमिताभ बच्चन की वैल्यू खत्म हो गई, ऐसा है क्या? मतलब सर जब प्राइस बढ़ जाता है तो इनकी वैल्यू मतलब गिफ्ट गुड्स की हम डिमांड ज्यादा कर देते हैं। एग्जाम्पल तो बताओ। सर जैसे
जैसे आप कोई अनब्रांडेड चीज यूज करते हैं सर, और उसका ज्यादा रेट अप हो जाता है तो हम लोकल चीप लोकल में ले लेते हैं। अच्छा, वो लोकल गुड्स होते हैं वो सारे चीप में होते हैं। और इन्फीरियर क्या होता है? हाँ वही होता है, दोनों एक ही होता है। चलो ठीक। हाँ अटेम्प्ट लोगे तो बोलो, अटेम्प्ट लेना है तो लो। नहीं, कोई व्यक्ति खराब कब होता है? नहीं नहीं कोई व्यक्ति खराब तब होगा जब कोई अच्छा होगा। किसी वस्तु को इन्फीरियर तभी कहेंगे जब कोई ना कोई सुपीरियर होगा। तो इन्फीरियर होता है लो क्वालिटी गुड, खराब नहीं है बस रिलेटिवली खराब है, निम्न गुणवत्ता की वस्तु है। लो क्वालिटी, जैसे हम बोले i10 i20, तो इन्फीरियर कौन है? और सुपीरियर i20। लेकिन जैसे बच्चों हमने i20 की तुलना i30 से की, सुपीरियर या इन्फीरियर, तब के अच्छा था लेकिन इसे तुलना करते ही थोड़ा डाउन हो गया। अब जैसे एग्जांपल है स्पार्क्स का और रिबॉक, एग्जांपल है तो दोनों में खराब कौन सा है? स्पार्क। नहीं, जैसे रिबॉक की तुलना हमने नाइकी से की, ये इन्फीरियर हो गया, ये सुपीरियर हो गया। और गिफेन होता है हाईली लो क्वालिटी गुड्स, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। अत्यधिक निम्न गुणवत्ता की वस्तु है। जैसे हम बात करें रिडॉक, सुना रिडॉक, एबिडास, रिबुक, तो क्या है? सिर्फ खुशी दे रहे हैं कि हमारे पास भी शूज है, लेकिन कब तक है कोई गारंटी है? नहीं, लेकिन ये है कि जब तक होगा तब तक नया होगा। तो जो सबसे खराब होता है उसको कहते हैं गिफ्ट। जैसे एक है मारुति 800 1970 मॉडल, और एक है टाटा नैनो 2010 मॉडल 2019 में, किसकी स्थिति गंभीर है? गंभीर तो खैर दोनों की है, नहीं ज़्यादा किसकी है? मारुति 800। ये सिर्फ खुशी दे रही कि हमारे पास कार है, हम कार को चलाएंगे, कार हमको चलाएगी इसकी गारंटी नहीं है। नहीं, नैनो क्या है, एक अच्छी कार है, ये सिर्फ फ्लाईओवर पे चाहती है कि हम उतर जाएं। नोएडा में हुआ, पांच लोग जा रहे हैं नैनो लेके, नैनो पलट गई, पांचों लोग उतरे, उठा के सीधा किए चल दिए। तो यहाँ पे खराब कौन सा होगा? मारुति 800। थोड़ा ध्यान से समझना, लिखना मत। हर गिफिन इन्फीरियर तो होगी होगी, जो अत्यधिक खराब है वो खराब हो गई होगा, लेकिन हर खराब वस्तु अत्यधिक खराब हो ये जरूरी नहीं। समझ पा रहे होंगे? तो पहले एक बार ये लिखिए, फिर काम का पॉइंट लिखते हैं। इन्फीरियर के नीचे लिखिए लो क्वालिटी, और गिफिन के नीचे लिखिए हाईली लो क्वालिटी।
लिख दिए। अब देखो, अब लिखो, एवरी गिफिन गुड्स इज इन्फीरियर गुड्स। प्रत्येक गिफिन वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु है। एवरी गिफिन गुड्स इज इन्फीरियर गुड्स। प्रत्येक निम्न स्तरीय वस्तु, सॉरी, प्रत्येक गिफिन वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु है। एवरी गिफिन गुड्स इज इन्फीरियर गुड्स। बट परंतु एवरी इन्फीरियर गुड्स इज नॉट गिफिन गुड्स। परंतु प्रत्येक निम्न स्तरीय वस्तु गिफिन वस्तु नहीं है। एवरी इन्फीरियर गुड्स इज नॉट गिफिन गुड्स। प्रत्येक निम्न स्तरीय वस्तु गिफिन वस्तु नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो अब ये बताओ, व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या करेगा? कम कर देगा। अभी हम लोग नहीं कमा रहे हैं तो कैसे भी चल रहा है, लेकिन ऑफिसर बनने के बाद भी ऐसे रहेंगे क्या? नहीं। प्राइस ऑफ गिफ्ट गुड्स बढ़ जाए, सॉरी इन्फीरियर गुड्स, तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या होगा? इसे मान लो स्पार्क्स 3,000 का हो, रिबॉक 4,000 का हो, जिसको जो लेना है ले रहा है, लेकिन अभी स्पार्क्स क्या हो गया, 3,500 का हो गया, तो व्यक्ति क्या लेना पसंद करेगा? कि थोड़ा ही तो गए, फेंके होना, अच्छी वाले ले जाए। तो जैसे इन्फीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ा, डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या हो गया? कम हो गया। तो इन्फीरियर गुड्स वे वस्तुएं हो गई जिनका प्राइस के साथ कैसा रिलेशन? इन्वर्सली। और इनकम के साथ कैसा रिलेशन? इन्वर्सली। नहीं लिखो यहाँ तक। बच्चे का क्वेश्चन है, आप लोग बैंकिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं क्या आप लोगों ने? नहीं आपने? बच्चे बैंकिंग के डाउट हैं सारे? चलो अगली क्लास में डाउट लेना है शुरू में, उसका अलग से डाउट तो कराइए। तो मैं वही तो अगली क्लास में प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे डाउट को। दो चैप्टर का डाउट रह गया, बैंकिंग का भी और नेशनल इनकम का भी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो अब है, यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स क्या करेगा? वो लो करेगा, और काफी तेजी से लो करेगा। नहीं, प्राइस ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स बढ़ जाए तो डिमांड ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स क्या होगा? लो करना चाहिए, खराब है। प्राइस बढ़े तो इसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। तो एक बार लिखो, फिर समझाता हूँ कैसे। तो गिफ्ट एंड गुड्स में प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है और इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होता है। कम से कम 200 बार आपके एग्जाम में आए कि गिफ्ट एंड गुड्स के बारे में क्या सही है क्या गलत है। अब ये बात नहीं समझ में आई होगी कि गिफ्ट एंड गुड्स वाले में गिफ्ट इन गुड्स वाले में कैसे प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाता है ना? तो ये बताओ, गिफ्ट इन गुड्स कौन यूज करता होगा? पुअर पर्सन या रिच पर्सन? पुअर। अब मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, वो महीने में अधिकांश दिन पोटैटो खाता है, तो पोटैटो खाने से उसके महीने में लगभग 500 रुपये बच जाते हैं। तो बचे हुए 500 रुपये से वो 4 दिन पनीर खरीद के खा लेता है। गरीब आदमी ऐसे ही करता है, कभी कभी स्पेशल बनाता है, वो पीजी में रहते हैं तो जानते होंगे। अब आलू महंगा हो गया, तो आलू महंगा हो गया तो अब उसके पास महीने में 500 रुपये नहीं बच रहे, क्लियर है? अब उसके पास महीने में सिर्फ 200 रुपये बच रहे हैं। तो जिन दिनों वो पनीर खरीद के खाता था, उन दिन पनीर खा पाएगा? नहीं।
अब वो क्या खरीद के खाता है? आलू। तो ध्यान से देखो, तो आलू के महंगा होने की वजह से उसके आलू खरीदने की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, जबकि वो खराब है। समझ पा रहे हैं जो कह रहा हूँ? तो हमने देखा कि खराब वस्तु का प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ जा रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कोई ऐसा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आलू का दिया, वैसे आप मुझे कोई गिफिन का एग्जाम्पल दें जहाँ वस्तु खराब हो और प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाए। मतलब आप मुझे गिफिन का एग्जाम्पल दें। ईश्वर ने जितना दिमाग दिया है सब लगा दें और बता दें। कोई सब्जी सस्ती होती है तो उसको ज्यादा लेके आते हैं। पीजी में तो प्रॉब्लम रहती है बच्चे। मेरे बच्चे खराब वस्तु भी होनी चाहिए। एक मिनट। हाँ, एसेंशियल चीजें खराब होती हैं। नहीं, दोनों शर्त नियम फॉलो होने चाहिए। खराब भी होने चाहिए और फिर प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ना चाहिए। अब आटा चावल दाल तो खराब नहीं होता है। हाँ बच्चे बोलो। तो मतलब ड्रिंक, तो ड्रिंक खराब है। पहले बात तो ये दिमाग से हटा दो कि ड्रिंक खराब है। सोशियोलॉजी के हिसाब से ड्रिंक इज ओनली अ फूड हैबिट। वो सिर्फ एक खाद्य सामग्री है। उसको लोग ज़्यादा करके अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। एक लिमिट में ड्रिंक अच्छा मानता है सोशियोलॉजी। आपके जीवन भर दिन भर का टेंशन खत्म कर देता है। दिन भर रामू रिक्शा चलाए, शाम को जाके बोले 41 वाला देना और पी के वहीं लुढ़क गए, है ना। फिर रात को कोई आया रिक्शा लेके चला गया, फिर सुबह भैया को और 40 वाला देना, बड़ी टेंशन है। तो ड्रिंक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि टेंशन को कम कर देना। ये तो हुआ आपके प्रश्न का जवाब। लेकिन दूसरा, ड्रिंक नेसेसरी में आता है। वो प्राइस के बढ़ने या घटने से उसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में बैन हो गया फिर भी लोग पीते हैं, यूपी जाके पीते हैं, नेपाल जाके पीते हैं। वो तो प्राइस बढ़े घटे डिमांड उतना ही रहेगा। हाँ, तुम क्या करो? एजुकेशन खराब चीज़ होता है। बेरोजगार आदमी, हाँ यस, अब ठीक पकड़ गए। तुम लिखो फिर समझ में आएगा। यही तो मैं चाह रहा था कि यही चीज़ पकड़ो आप। लेकिन गिफन गुड्स आर इमेजिनरी गुड्स। गिफन वस्तुएं काल्पनिक वस्तुएं। पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ता हो और तब जबकि वो खराब हो। ये एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि कई बार खराब वस्तुओं का प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाता है। उन्होंने ब्रेड और चिकन का एग्जाम्पल दिया था, रोटी और चिकन का। उन्होंने दिखाया कि रोटी महंगा हो रहा है तो व्यक्ति चिकन के बजाय रोटी खरीद रहा है। लेकिन ये तो गलत एग्जाम्पल है। पेट तो रोटी से भरेगा, इसलिए आदमी को रोटी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, चिकन कम। ना तो रोटी खराब चीज़ है ना चिकन अच्छा चीज़ है। तो अब हमारे लिए क्या पॉइंट हुआ कि गिफेन और इन्फीरियर में क्या रिलेशन है, ये याद रखना है। गिफेन का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, इनकम के साथ क्या रिलेशन है, ये याद रखना है। लेकिन साथ में ये भी जान के रखना है कि गिफेन नाम की कोई वस्तु पूरे यूनिवर्स में है ही नहीं। 1970 में मारुति 800 बनी ही नहीं थी, 76 में बनी। आलू खराब सब्जी नहीं होती है। आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं। आलू पनीर भी बनता है ना। तो हालांकि आलू अच्छा नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में देखोगे तो बिना आलू के काम चलेगा नहीं, घर में भी और कहीं भी। तो हमने क्या सीखा, गिफेन नाम की कोई वस्तु नहीं होती, इसीलिए कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? गिफेन इन्फीरियर रिलेशन इनकम और प्राइस के साथ कर लेंगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है ये तो बताना चाहिए आप लोग को। ये तो नॉर्मल लॉ है लाइफ में। मांग का नियम बताएंगे? नहीं,
तो लिखिए डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, मांग कीमत पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन प्राइस, मांग कीमत पर निर्भर करती है, एंड तथा इट इज निगेटिवली रिलेटेड विथ प्राइस, मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, निगेटिवली रिलेटेड विथ प्राइस, मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। शर्त क्या है लिख लो ब्रैकेट में, इफ रिमेनिंग फैक्टर आर कॉन्स्टेंट, अन्य कारकों के स्थिर रहने की स्थिति में, रिमेनिंग फैक्टर आर कॉन्स्टेंट, अन्य कारकों के स्थिर रहने की स्थिति में। रिमेनिंग फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, टेस्ट, इनकम, एक्सपेक्टेशन, है ना, ये भी क्वेश्चन आया कि रिमेनिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो बाकी कारक जो जो हमारे होते हैं। हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस पी था, मान लीजिए 55 में 100 रुपये लेके गए और कोई वस्तु 5 रुपये की, तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, 20, नहीं, किसी कारण से इसका प्राइस बढ़ के 10 रुपीज़ हो गया, तो कितनी क्वांटिटी, 10, और किसी कारण से इसका प्राइस बढ़ के 20 हो गया, कितना, 5। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उल्टा भी देखो, यदि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन का पूछता है कि डिमांड स्लोप कैसा होता है, तो डिमांड स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है, बना दो। अगला लिखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद क्या क्या एक्सेप्शन है, तो पहला लिखो गिफेन गुड्स, गिफेन वस्तु में, नहीं गिफेन गुड्स में क्या था, प्राइस बढ़ता तो डिमांड बढ़ जाती थी, और दूसरा लग्जरियस गुड्स, विलासिता की वस्तु। लग्जरियस गुड्स में क्या आता है, महंगा मोबाइल, महंगी कार, ये जैसे जैसे महंगे होते हैं लोग और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो ये तो हुआ एक बेसिक सा लॉ ऑफ डिमांड। मेन जो अपने एग्जाम में आता है वो लिखो, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। लोच का फिजिक्स में क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी का फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, रीगेन करने की कंडीशन को शो करता है, यानी सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इलास्टिसिटी चेंज को शो करता है। तो लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, मांग की लोच का अर्थ है चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन।
तो मांग में परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो मांग में परिवर्तन हो सकता है बच्चों प्राइस से, टेस्ट से, इनकम से और एक्सपेक्टेशन से। मैं यहाँ पे लिखूँ, लिखना मत अभी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। तो क्या मतलब होगा? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। मैं लिखूँ टेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या मतलब होगा? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। तो लिखो अपने सिलेबस में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। लिखे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, मांग की लोच का अर्थ है चेंज इन डिमांड। मांग की लोच का अर्थ है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब देखो, लिखना मत, सीखना है। यदि प्राइस पी था तो डिमांड डी था। मान लो किसी कारण से प्राइस बढ़ के पी वन हो गया, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? कम होगा, तो डिमांड घट के डी वन हो गया। तो प्राइस में जो चेंज हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से, और डिमांड में जो चेंज हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डी से। नहीं, मैथ में क्वेश्चन करते हैं शुगर का प्राइस इतना परसेंट बढ़ गया तो डिमांड में कितनी कमी है, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये यहाँ था, अब ये यहाँ हो गया, तो यहां से यहां तक जाने में जो चेंज हुआ उसी को क्या कहते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, लिखना नहीं अभी, वो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो परसेंटेज चेंज का मैथ में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चे आप लोग? आप यूज करते हैं चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, चेंज इनिशियल इनटू 100। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ? डेल्टा डी अपॉन डी और पी अपॉन डेल्टा पी। क्लियर है? लिखो ये बड़े तो।
मोहित सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपका नेशनल इनकम का भी और बैंकिंग का भी, जो भी आपका डाउट होगा वो आप देंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी कर लो भाई एक बार, तब उसके बाद मजा आएगा डिस्कशन में। आप कितने बजे जाते हैं रात को? ठीक, आप भी जल्दी, आप तो 11, आप भी बच्चे 11 तक रहते ही। इतना ईमानदारी से हो जाए 5-6 महीने मैंने, तो फिर तो दिक्कत नहीं। सारे कोर्स कितनी बार हो गए? 2 बार हो गया। बाकी तैयार रहना, पेपर कुछ भी आ सकता है। तुम्हें हरियाणा में तो ये प्रॉब्लम है, हरियाणा सिविल सर्विसेज में पेपर रिवाइज करते हैं, एज इट इज उठा के डाल रहा है क्वेश्चन सारा प्रीवियस, और ग्रुप डी के पेपर में टफ पेपर डालते हैं। हरियाणा ग्रुप डी ये था ना, HCS से भी टफ था। अब देखो फॉर्मूला आया कुछ ऐसा, डेल्टा डी अपॉन डी और पी अपॉन डेल्टा पी, लेकिन बच्चों यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन इस माइनस का कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होगा। ये माइनस ये शो करता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है। जब आप मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं तो आप याद करिए, आपसे क्वेश्चन ये आता है कि प्राइस इतना परसेंट चेंज हो गया तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा, यानी वहाँ इनिशियल नहीं दे रहा होता है, जो भी दे रहा होता है क्या, चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड दे रहा होता है। तो अब डेल्टा डी और डेल्टा पी में 5 पॉसिबल कंडीशन बन सकता है, क्या डिमांड में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाला चेंज से ज़्यादा हो, प्राइस में होने वाला चेंज डिमांड में होने वाला चेंज से ज़्यादा हो, डिमांड में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाला चेंज के बराबर हो, डिमांड में कोई चेंज ना हो फिर भी प्राइस में चेंज हो, और प्राइस में कोई चेंज ना हो फिर भी डिमांड में चेंज हो जाए। इन्हीं 5 में से एक हमारे एग्जाम में आता है लगभग पक्का, लास्ट ईयर न्यूमेरिकल दे दिया CHSL के एग्जाम में कई सारे। तो एक हेडिंग डालो, स्टेजेस ऑफ इलास्टिसिटी। लोचता की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ इलास्टिसिटी, लोचता की अवस्थाएं। तो इसमें लिखो पहला स्टेज 1, डेल्टा डी इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, डेल्टा डी डेल्टा पी से ज्यादा हो। तो यदि सोच के बताओ, मैथमेटिकली डेल्टा डी की वैल्यू डेल्टा पी से ज़्यादा हो तो प्राइस लास्ट ईयर ऑफ डिमांड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? यदि इस इक्वेशन में डेल्टा डी डेल्टा पी से ज़्यादा हो तो प्राइस लास्ट ईयर ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से अधिक आएगी 1 से कम आएगी? हाँ बच्चे, अधिक आएगी, क्योंकि ये 30 है ये 20 है तो काटेंगे, तो क्योंकि इसका तो कोई रोल है ही नहीं डिमांड डी और पी का, तो प्राइस लास्ट ईयर ऑफ डिमांड हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब समझो एक बार, अभी लिखना नहीं। प्राइस पी था तो डिमांड डी था, प्राइस बढ़ के पी वन हो गया, डिमांड घट के डी वन हो गया। क्या देख रहे हैं कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग। तो अब आपको मुझे बताना है डेली लाइफ में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है डिमांड काफ़ी तेज़ी से कम होता है, प्राइस थोड़ा सा कम होता है डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। पेट्रोल, प्राइस थोड़ा सा कम होता है पेट्रोल ज़्यादा खरीदेंगे,
अब पेट्रोल महंगा है तो कम खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं है। ज्वेलरी तो लग्जरियस गुड्स में, ज्वेलरी तो लॉ ऑफ डिमांड मानता ही नहीं। मैं और आप ज्वेलरी खरीदने वाले हैं नहीं, हम तो मुन्नू मुन्नू की मम्मी खुश रहे इसके लिए शादी विवाह में थोड़ा बहुत खरीद के रख देते हैं। ज्वेलरी खरीदने का बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी तो महंगा होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जो एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम और आप तो थोड़े बहुत खरीद के खुश हो रहे होते। ज्वेलरी आता है लग्जरियस में, तो लग्जरियस गुड्स है ही नहीं, वो तो एक्सेप्शन है। और बताइए, आप इसका लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बल्कि मुझे लगता है सब ज़्यादा इसी का यूज करते हैं। लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं? मोबाइल। दिन भर 20 बार फोन करो, और ठीक हो? ठीक है। खाना खा लिया? खा लिया। क्या खाया? अरे तुमको और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर क्या खाया क्या नहीं खाया? मुन्ना बाबू सोना नाराज हो गए क्यों? ये सस्ता हो गया। पहले क्या था? मैं भी ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो गए, करते हैं बात। क्यों? तो महंगा था, तो ये जरूरत नहीं था। क्या मोबाइल जरूरत है? क्या हमारा बिना मोबाइल के लाइफ नहीं चल रहा है? ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ये हमारी जरूरतों में क्यों शामिल हुआ? सस्ता होने की वजह से। हम लोग का बचपन में था मोबाइल नहीं, तो हमें लगता था नहीं, अभी हर बच्चे के पास मोबाइल है घर में, तो क्यों उसकी ज़रूरत बन गई? सस्ता होने की वजह से। तो ऐसी वस्तुओं को हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं रिलैक्स गुड्स, आरामदायक वस्तुएं। तो अब लिखना मत, अभी एग्जाम में कैसे पूछेगा? आरामदायक वस्तु का डिमांड कैसा होता है? इलास्टिक। आरामदायक वस्तु के लिए इलास्टिक वैल्यू की स्थिति होती है ग्रेटर देन वन। इलास्टिक वस्तुओं के लिए कंडीशन क्या होता है? डेल्टा डी डेल्टा पी से ज्यादा। क्लियर है? तो ऐसे लिखो फिर इसके बाद एग्जाम, एक बार लिखो फिर दोबारा बताते हैं। एग्जाम्पल बताओ इसका, ऐसी वस्तुओं का। तो हमने कहा एक लिखो मोबाइल, अच्छा बिल अपने लोगों ने बनाया नहीं है, बनाइए पहले। तो कब बता रहे हैं आपका हरियाणा का एग्जाम कब हो जाएगा? जेई का। चलो इधर हरियाणा हो जाए, फिर उधर रेलवे हो जाए, फिर उधर एसएससी हो जाए, तो फिर नौकरी नौकरी। बाकी हरियाणा होने के बाद तो कुछ और हो नहीं पाएगा, तो तुरंत ज्वाइनिंग पे बना लेंगे। सबसे बढ़िया स्टेट है, सुबह रिजल्ट, शाम को रिजल्ट, रात को ज्वाइनिंग। बाकी राज्यों में तो केस लड़ते रहोगे, ज्वाइनिंग दे दो ज्वाइनिंग दे दो। राजस्थान में भी निकला हुआ है क्या? पटवारी कुछ होता है, पटवार आप बोलते हो वहाँ पे राजस्थान में, वो निकला हुआ है। अच्छा भी आए का, ओके। अच्छा वो अपना ख़राब कर लिया, नुकसान कर गया वो। हाँ वही क्या होता है, बच्चे का अचानक मन में आता है। और भी नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे लाइफ में मिले, गुरुकुल मिले गए, तो 4-5 महीने बहुत सारे। अच्छा अच्छा गुरुकुल में भी रहा था? अच्छा तो वहाँ तो हमने पैसे वापस दिए नहीं होंगे। हाँ वहाँ नहीं देते।
वहाँ तो एक एक घंटे का भी ले लिया पूरा पैसा, एक घंटे फीस दिया, एक घंटे बाद कहा कि मैं तो नहीं रह पाऊँगा, मैं ठीक है अपनी सिक्योरिटी लो जाओ, सर अभी तो आए हैं। मैं कहा कि शुरू में तो दिक्कत हो गई होगी, 8 दिन 10 दिन तो लगता है कहाँ फंस गए, फिर उसके बाद जो मजबूत बच्चा होता है। ठीक है फिर, हाँ एग्जाम्पल लिखो, मोबाइल, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा इत्यादि। नहीं, क्या टीवी जरूरत थी? पहले दीवार वाली टीवी बड़ी वाली होती थी, लग्जरी में आना हाँ? चाहिए, सिर्फ लग्जरी में गिन सकते हो आप किसे? इन टीवी चीजों को। को। हाँ तो सर, रिलैक्स किसको कहोगे? नहीं जैसे मैं ये लग्जरी कहूँ मोबाइल, तो मोबाइल इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्स। मैं कहूँ महंगा मोबाइल, तब हो जाएगा लग्जरी। मैं कहूँ टीवी इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्स। महंगी टीवी, हम सबके घर में 15,000 की टीवी भी है, 20 की भी है, लेकिन किसी किसी घर में 1.5 लाख की भी है। अब एक दिन मैं नीतू मैडम घर चला गया, उन्हें पूरा मतलब सिनेमा हॉल बना रखा है, 10-15 लाख रुपया लगा होगा उसमें। तो हम लोग के लिए क्या है वो? रिलैक्स है, हम लोग लग्जरियस है, हमारे पास घर ही उतना बड़ा है जितने उन्होंने टीवी रूम बना रखा है। तो ये पॉइंट है कि जो हमारे आपके लिए आम आदमी के लिए ये रिलैक्स है, निचले तबके के लिए तो ये भी लग्जरियस है। गाड़ी इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्स, महंगी गाड़ी लग्जरियस। घड़ी 5,000 की भी है, अब सचिन तेंदुलकर घड़ी 4.5 करोड़ की है, तो रिलैक्स है? नहीं, वो तो पैसा खर्च कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यार तुम ये महंगी में बेच दो ना, ठीक है इसकी कीमत 4.5 करोड़ का, ठीक है ले लो। तो ऐसे तो कुछ लोग खर्च करने के लिए पैदा हुए। अभी मैं पढ़ा था बिल क्लिंटन, नहीं अमेरिका के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है अभी वर्ल्ड के, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक क्या है? बिल गेट्स। उनका बता था कि यदि वो हर घंटे 261 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे तो उनके लगभग 4 या 5 पीढ़ियाँ आराम से जी लेंगे, हर घंटे 261 करोड़। और शर्त है कि वो नहीं कमाएंगे, तब हमारी पूरी ज़िंदगी में शायद हम 261 करोड़ ना देख पाए, बहुत ज़्यादा होता है ये। चलो अगला लिखो। हाँ लिखने से पहले बताओ, सेलर क्या चाहता है, प्राइस बढ़ाना है या कम करना? सेलर हमेशा चीज़ों को महंगा करके बेचना चाहता है और बायर कम। जब कोई इंक्वायरी आती है कि सर कितना फीस है, तो हम बताते हैं 8.5। तो 8.5 में क्या है? तो हम रहना, खाना, पीना, क्लास, सब सब कुछ इसी में। अच्छा, सब बात हो गई, फिर लास्ट में सर कुछ कम होगा क्या? पहले तो उसको भरोसा नहीं हुआ कि 8.5 में भी दे सकते हैं, फिर लास्ट में क्या कि थोड़ा प्लीज कम तो कर दो। नहीं बोलता बाहर, हम तो गरीब हैं थोड़ा कम कर दो। देखो उसकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है, वो रहेगा गरीब तब भी, लेकिन बाहर की सोच क्या है कि थोड़ा सा कम में मिलना चाहिए। और सेलर क्या चाहता है कि ज़्यादा में मिले, और वही दोनों जहाँ मैच करेंगे वो प्राइस हो जाता है। तो इस वाले कंडीशन में, स्टेज वन वाले में, सेलर क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा या अधिक करेगा? नहीं, कम करेगा। ये एकमात्र ऐसा वस्तु होगा जिसका प्राइस सेलर कम करना चाहेगा। 10% कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? 50%। जियो देख लो, सस्ता किया लोगों ने, सबने खरीद लिया, अब सबने कम कर दिया। सबने, हमने पहले 1 महीने में 1 GB डाटा चलता था, अब 1 दिन में 2 GB खत्म करना है, तो क्यों? सस्ता होने की वजह से। तो दो क्वेश्चन हो गया, रिलैक्स गुड्स की डिमांड, रिलैक्स गुड्स का इलास्टिसिटी लेस देन वन या ग्रेटर देन वन कंडीशन, और कौन सी वस्तु का प्राइस सेलर कम करेगा? तो रिलैक्स गुड्स का। एक पॉइंट नोट करके लिख लो, रिलैक्स गुड्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट गुड्स, आरामदायक वस्तुओं को श्वेत वस्तु भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वाइट गुड्स श्वेत वस्तु भी कहते हैं। वस्तुएं दो तरीके की, एक होती है पिंक और एक होती है व्हाइट। पिंक मतलब लग्जरियस और व्हाइट गुड्स मतलब रिलैक्स। नोट करके कहीं चाहो तो लिख लो, लग्जरियस गुड्स आर नोन एज पिंक गुड्स, विलासिता के वस्तुओं को गुलाबी वस्तुएं कहते हैं। लग्जरियस गुड्स आर नोन एज पिंक गुड्स।
स्टेज टू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा डी, तो डेल्टा पी डेल्टा डी से ज्यादा होगा तो प्राइस रेशियो ऑफ डिमांड लेस देन वन या ग्रेटर देन वन? लेस देन वन। इसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। जैसे प्राइस पी डिमांड डी, प्राइस इंक्रीज अप टू पी वन बट डिमांड डिक्रीज अप टू डी वन, तो प्राइस में होने वाला चेंज डिमांड में होने वाले चेंज से ज़्यादा। अब आपको बताना है डेली लाइफ में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें प्राइस में कितना भी अधिक या कमी हो डिमांड लगभग उतना ही रहता है। मेडिसिन में तो थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, फूड आएगा, फूड आएगा। तो लिखें एग्जाम्पल, नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स का मतलब होगा फूड भोजन। वैसे मान लो रामू हूँ और आटा जब 25 रुपए किलो था तो 5 रोटी खाते थे, अभी आटा 30 रुपए किलो हो गया तो 4 रोटी खा लेंगे क्या? नहीं, 4.75 रोटी थोड़ी सी पतली या रोटी का साइज थोड़ा छोटा, और आटा 20 रुपये हो जाए तो 6 खा लेंगे क्या? नहीं, 5.25 रोटी थोड़ी सी बड़ी रोटी का साइज थोड़ा मोटा, यही होता है फूड के बाद लिखो। फूड का मतलब फ्रूट्स भी है, फूड का मतलब वेजिटेबल भी है, फूड का मतलब मिल्क भी है, फूड का मतलब राइस भी है। पाँचों क्वेश्चन आया हुआ है कि राइस की डिमांड कैसी होती है, वेजिटेबल की डिमांड कैसी होती है, फ्रूट्स का डिमांड तो कैसा, इन इलास्टिक। फूड के बाद लिखो क्लॉथ्स कपड़े, अब कपड़ा महंगा हो जाए तो कम पहने, छोटा पहने, कुछ लोग छोटा पहनते हैं तो क्या वहाँ गरीबी है? नहीं, वहाँ कारण कुछ और है। और सस्ता हो जाए तो 2-3 पहन लें, ऐसा होगा? नहीं, ब्रांडेड की बजाय लोकल, लोकल की बजाय ब्रांडेड हो सकता है। और अगला हाउस घर, यानी रोटी कपड़ा और मकान। तो सोच के देखो सेलर ऐसी वस्तुओं का प्राइस बढ़ाए या कम करे? बढ़ाएगा, इसलिए देखना ऐसी चीज़ों का प्राइस हमेशा बढ़ता है। आईएएस में आया था एक बार क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की डिमांड इन इलास्टिक है तो सेलर को ऐसे आया था कि एक्स एक वस्तु है जिसको इंडिया वाई कंट्री में एक्सपोर्ट करता है और वाई कंट्री में एक्स वस्तु की डिमांड इन इलास्टिक है, तो इंडिया को इस वस्तु का प्राइस बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ब्लड जब आप बैंक से हॉस्पिटल से परचेज करेंगे तो उस पर 18% जीएसटी लगता है, शर्ट खरीदने जाएंगे तो इस पर 5% जीएसटी है, लेकिन ब्लड खरीदने जाने तो इस पर 18% लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक है, सरकार को पता है खरीदोगे खरीदोगे, तो क्यों ना इस पर ज़्यादा टैक्स ले लिया जाए। ये किसने सिखाया? इकोनॉमिक्स ने। क्लियर है? अगला लिखो स्टेज थ्री, देखो बायर को यदि कोई चीज खरीदनी है ना तो आप कितना ही महंगा तो खरीदेगा, और नहीं खरीदनी है तो कितना भी सस्ता दे लो नहीं खरीदेगा। तो अब इसमें इकोनॉमिक्स को यह सीखना होता है कि वो उसके लिए कितनी जरूरत है, जरूरत का है तो रेट रखो, रेट कितना भी रखो। तभी कंपनियों ने क्या किया,
जो जरूरत की चीजें नहीं थी उनको जरूरत बनाना सिखाया। मोबाइल जरूरत का नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मोबाइल दूर कर देने पे क्या लगता है, कुछ खो गया। ये वही है, जरूरत में ला रहे हैं धीरे धीरे। अगला स्टेज 3, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा डी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, इसको कहते हैं हम यूनिट इलास्टिक, इकाई लोचदार। प्राइस पी, डिमांड डी। प्राइस इंक्रीज अप टू पी वन, डिमांड डिक्रीज अप टू डी वन। प्राइस में होने वाले चेंज डिमांड में होने वाले चेंज के बराबर है। क्लियर है? बताओ डेली लाइफ में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसमें प्राइस कितना ही बढ़े घटे डिमांड उतना ही रहता है। हाँ? 10% प्राइस बढ़ेगा, 10% कम खाओगे दाल। जितना प्राइस बढ़े उतना ही डिमांड कम होना चाहिए, और जितना ही प्राइस कम उतना ही डिमांड बढ़े, सेम सेम बढ़ना सर चाहिए। वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ही हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, सेम वस्तु है, एक ही वस्तु का। रियल लाइफ में ऐसी कोई वस्तु हो सकती है? नहीं, तो लिख लो, दिस कंडीशन इज हाइपोथेटिकल कंडीशन, यह अवस्था काल्पनिक अवस्था है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु। जैसे नॉर्मल व्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती है ना, वैसे नॉर्मल वस्तु की भी नहीं होती। जो आप चश्मा यूज कर रहे हैं कितने का हो सकता है, 200, 2000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़। पर्सन टू पर्सन नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कोई रामू हो, रिक्शा चलाते हो, रहते हैं नजफगढ़ में हो, रिक्शा चलाते हो मुखर्जी नगर में, तो वो क्या करें, रिक्शा अपना कार ड्राइव करते हुए आएँ, विश्वविद्यालय मेट्रो पार्किंग में पार्क करें, रिक्शा उठाएँ, दिन भर रिक्शा ड्राइव करें, शाम को रिक्शा पार्क करें और कार लेके घर चले जाएँ। पॉसिबल है? नहीं। लेकिन यही रामू डॉक्टर होते, इंस्पेक्टर होते, पुराने टाइम के इंजीनियर होते, तो कार से आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। तो एक व्यक्ति के लिए नॉर्मल, एक के लिए लग्जरियस है। तो नॉर्मल वस्तु नाम की कोई वस्तु नहीं होती। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट इलास्टिक, इकाई लोचदार का मतलब क्या है? तो चेंज इन प्राइस इज में चेंज इन डिमांड, यूनिट इलास्टिक में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45। नॉर्मल वस्तुओं के लिए कैसी कंडीशन होती है, यूनिट इलास्टिक। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टेज 4 लिख दो, देख देंगे नेक्स्ट क्लास। 99% कल ही करेंगे क्लास को। 99 क्या, लगभग 100